हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। एक बार फिर मैं आपका सुरेंद्र कुमार मिश्रा एसकेएम सर आपके सामने आ गया हूँ वापस क्वेश्चन को डिस्कस करने। जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, इट्स अ रोड मैप क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक रोड मैप क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करके आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी सारे पॉसिबिलिटीज केसेस कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर हैं, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो हम रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा जो कि 2021 में मेंस एंड एडवांस अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। बाकी कोई भी इसे अटैम्प्ट कर सकता है और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए जो भी मेंस एडवांस देंगे वो अगर इन क्वेश्चन को करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आप रोज कर रहे हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इससे क्या है, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आप में से कुछ नए बच्चे भी होंगे जो ये जानेंगे सर ये क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे। तो मेरे भाई, आप मेरे नाम से टेलीग्राम पर जाकर एक चैनल सर्च कर सकते हैं, सुरेंद्र कुमार मिश्रा कोटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा, आप उससे सर्च कर सकते हैं और एक लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है @SKM121 वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं वहां शेयर करता हूँ रोज, एक क्वेश्चन इस टाइप का, और ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम आज करेंगे डिस्कस। तो मैं पहले क्वेश्चन भी लिख देता हूँ जिसमें मल्टीपल अननोन्स होते हैं जिन्हें हमें पता करना होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूँ। पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने स्टार्ट किया था एक अल्फाबेट जेड से, सारे लोग देखिएगा जेड से, और हमने इस पे कराया है ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और हमें मिला है P+Q। एक इस तरीके का बॉक्स बना है। बॉक्स का मतलब हो गया कि हम P और Q को लेकर एक साथ रिएक्शन करा रहे हैं। OH- delta, यूजुअली आप गेस कर सकते हैं ओजोनोलिसिस पे कार्बोनाइल्स मिलते हैं और OH- delta एक तरीके का आपको एल्डोल का फील आने लगा होगा, ये R हो गया, ठीक है। R पर ये देखिए बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, नाम तो सुना ही होगा, आयडोफॉर्म रिएक्शन। येलो क्रिस्टल्स मिलते हैं आयडोफॉर्म के, तो ये यहां पर देखिए काफी कुछ समझ में आ रहा है अपने को। जेड मस्ट बी एल्कीन काइंड ऑफ थिंग, ओके। ये आएगा कार्बोनाइल, ये आएगा एल्डोल प्रोडक्ट, और ये आएगा उसका आयडोफॉर्म प्रोडक्ट। आयडोफॉर्म के बाद जो बनती है चीजें, ये एस है, S पर है Br2CCl4, यानी कि अभी भी हम गैस कर सकते हैं कि S जो है आपका उसके अंदर अनसैचुरेशन या पाई बॉन्ड है, ऐसा गैस कर सकते हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये आया T पर मेरे भाई वापस OH- delta है, ओके। वापस हीट कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है। U बन गया U, ओके। आइए इस U को आगे लेकर चलते हैं मेरे भाई। इस U पर हमने डाला है सोडामाइन NaNH2। अच्छा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, क्या आपको स्ट्रॉन्ग फील आने लगी है कि कुछ ट्रिपल बॉन्ड जैसा। NaNH2 जो है सोडामाइड, वो एलिमिनेशन के लिए यूज होता था, 2 इक्विवेलेंट है मेरे भाई। तो यहां से बन गया V। V पर हमने डाला है CH3I, काफी कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। CH3I एक ही रिएक्शन करने के लिए पैदा हुआ है, वो है SN2, वो है SN2। ये आया W। W पर मेरे भाई इस रीजन को तो जानते होंगे, इसका नाम बहुत पॉपुलर है, कुचरो HgSO4 H2SO4। ये मैं रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, इससे मिल गया X। मजेदार चीज ये, इस क्वेश्चन में अभी तक आपको कोई कंपाउंड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, और इस X पर डाला गया है CH3MgCl, और ग्रिग्नार्ड डालकर ये NH4Cl करा दिया गया है। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक्स के बाद एक्स मिल गया, अब मिला वाई, और वाई पर मेरे भाई कराया है H+delta। वापस मिल गया जेड, जहां से चले वहीं पहुंच गए। और मेरे भाई ये जो जेड है इसके लिए आपको बताया गया है, जेड के लिए एक डेटा दिया गया है आपके लिए लास्ट में, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। अब इस क्वेश्चन को समझो भाई, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। ओके, सो अब हमें इसे पकड़ना है, समझना है, पूरा सॉल्व करना है, एक एक केसेस को समझना है। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि जेड
का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को पता चल गया, तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि ये है C5H10। C5H10 की हो रही है ओजोनोलिसिस। क्या आप चेक कर सकते हैं कि C5H10 में सॉल्यूशन इसका बताने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं C5H10 में एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। C5H10 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक है एंड दैट मस्ट बी ए पाई बॉन्ड, क्योंकि हम डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करेंगे, मस्ट बी ए डबल बॉन्ड। ये तो क्लियर हो गया आप सबको, सारे लोग देखेगा मस्ट बी ए डबल बॉन्ड। अब मेरे भाई इस 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन के पाई बॉन्ड रखने वाले काफी सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब उनमें से कौन सा है एक्चुअली जेड, ये पता करने के लिए हमें कुछ कदम चलना पड़ेगा। क्या ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो भी जेड होगा उसकी ओजोनोलिसिस से 2 प्रोडक्ट आएंगे? पहली बात तो ये क्लियर है, 2 प्रोडक्ट आएंगे, समझ लें इस बात को। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि उसका एल्डोल होने के बाद, उसका एल्डोल कराया, उसके बाद जो चीज बने वो आयडो फॉर्म दे, जो चीज बने वो आयडो फॉर्म दे। देखिए इस जेड को पता करने के लिए रिएक्शन सीक्वेंस में ही कंडीशन है, रिएक्शन सीक्वेंस में ही कंडीशन छिपी हुई है। तो अगर एक बार मैं पॉसिबल C5H10 लिखता हूं, पॉसिबल C5H10, तो एक आप 5 की चेन में देखें, 1 pentene, ओके, आप देख सकते हैं 6 pentuene, ओके, आप यहां पर देख सकते हैं ट्रांस पेंटुइन, ठीक है। अगर आप साथ में और देखना चाहते हैं 4 की चेन में अगर आप चले तो ये एल्कीन आपको मिल जाएगा, और देखना चाहते हैं तो ये एल्कीन मिल जाएगा, और देखना चाहते हैं तो ये एल्कीन मिल जाएगा। देखिए बहुत क्लियर है, अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये 6 एल्कीन, 1 pentene, 6 pentuene, ट्रांस पेंटुइन, ये क्या आपका 2-methylbutuenein, 2-methylbutuenein एंड 3-methylbutuenein, ये आपके पॉसिबल C5H10 है। इसी में कहीं एक जेड छिपा हुआ है, इसी में कहीं एक जेड छिपा हुआ है मेरे भाई। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इसकी ओजोन, बहुत आराम से सुनिए, अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको एक 4 का एल्डिहाइड मिलेगा और एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड। मेरे भाई 2 एल्डिहाइड CH3CH, ये आएगा आपका 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनल एंड मीथेनल, ब्यूटेनल प्लस मीथेनल जब आप करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपली एक चीज बता देता हूं, ये देखें जरा, ये है आपका ब्यूटेनल, और इस पे जब आप एक कार्बन का ये जो कि इसके पास अल्फा एच नहीं है, आप ये रिएक्शन अगर कराते भी हैं तो ये CH2O इसके अल्फा पर जाकर एक CH2OH क्रिएट करेगा, एक CH2OH क्रिएट करेगा, एंड सिंस यू आर हीटिंग इट तो भाई चलो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप देखिए किसी भी केस में ये आपको आइडोफॉर्म देता हुआ नहीं दिख रहा है, एल्डोल प्रोडक्ट आइडोफॉर्म देना चाहिए। तो मेरे भाई इसी तरीके से अगर आप सारी चीजों को समझते रहे, चलिए अगले वाले में चलते हैं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब जरा देखिए, जरा 3 कार्बन का एल्डिहाइड जो होगा, मैं एक एक चेक कर रहा हूं, ये खल्लास हो चुका है, ये नहीं है अपना आंसर, इसे देखते हैं CH3CH2CHO, ठीक है, और अगला क्या है CH3CHO। मेरे भाई बहुत इजी है, या तो इसका माइनस बना के इस पे अटैक कराओगे, अगर इसका माइनस बना के इस पे, स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है ज्यादा रिलेटिव टू दिस, तो हम इसका माइनस बना के इस पे अटैक करें, अगर इसका माइनस बना के तुम इस पे अटैक कराओगे तो सच सच बताओ, सच सच कि आपको ये मिलेगा या नहीं। ध्यान से देखें, ये यहां अटैक होगा तो CHOH CH3, एंड सिंस यू आर हीटिंग इट तो बताइए ये OH हट के यहां क्या जाएगा डबल। अगेन ये जो एल्डिहाइड है ये आइडोफॉर्म नहीं दे रहा है मेरे भाई, अगर सिस कैंसिल हुआ तो ट्रांस भी कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें तो केवल ज्योमेट्री का फर्क था, वही रिएक्टेंट्स निकलेंगे, वही क्रिएट होंगे पी एंड क्यू, और आर भी सेम आ जाएगा फिर। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसे तो इमीडिएट छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक आया ब्यूटेनोन और एक क्या आया बताइए, एक आया आपका, ये बहुत ध्यान से देखना, ये वाला केस आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक आया ब्यूटेनोन और एक आया आपका मीथेनल। अब अगर आप ब्यूटेनोन और मीथेनल की रिएक्शन कराते हैं तो इसका एनायन इस पर अटैक कराएंगे, कीटोन और एल्डिहाइड के केस में बहुत क्लियर है, एल्डिहाइड बिहेव्स लाइक ए एक्सेप्टर बिकॉज ऑफ लेस क्राउडिंग। तो मेरे भाई ये देखिए,
यहां से माइनस बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट ऑब्वियसली हम कंसीडर करेंगे, और ये माइनस अटैक करेगा तो आपको जो जवाब मिलेगा ना मेरे भाई, वो देख लो जरा, वो मिलेगा CH2 पर OH एंड यू आर हिटिंग इट। तो ये आ गया, लो भाई साहब करा लो, इससे आइडल फॉर्म नहीं हो रहा, इससे भी आइडल फॉर्म नहीं हो रहा। यानी कि तुमने एक बात, मीथेनल जहां बनाए वहां तो केस क्लियर है, वो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा है। चलिए इससे भी खल्लास मेरे भाई, क्या लास्ट वाले में भी मीथेनल आ रहा है? लास्ट वाले में भी एक ये एल्डिहाइड मिलेगा और मिलेगा मीथेनल, क्या होगा इसका माइनस, इस पे अटैक, इससे आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्रोडक्ट। ये कहीं से एडो फॉर्म नहीं दे रहा है, ये शुरुआत में की गई मेहनत आपको इस जेड पर लेकर आती है, एकमात्र जेड ये जो आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए एक ही पॉसिबिलिटी है जो इस हिडन कंडीशन को, यहां पर देखिए एल्डोल के बाद आइडो फॉर्म को प्रूफ कर रहा है, ये है जेड। और लेट्स स्टार्ट इट विद जेड, इस जेड से चलेंगे, एक और चेक कर लेंगे, आखिरी में भी यही आना चाहिए। आइए चलो चालू करते हैं, चालू करें। ये जेड हमने जो लिया है, ये है आपका 2-methyl-butuene जेड। चलो ओजोनोलिसिस मेरे भाई, इसमें ये हिडन स्टेप्स को ही समझना इंपॉर्टेंट था। बाकी देखिए एसीटोन आ गया और क्या आ गया, इथेनल आ गया। अब एसीटोन और इथेनल OH माइनस डेल्टा, इसी में एक P है और इसी में एक Q है, ठीक है, हम P और Q को डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब आप जब इसका एल्डोल कराएंगे तो बहुत क्लियर है, इसका माइनस देखिए दोनों तरफ से मिथाइल है, किसी भी एक तरफ से इसका माइनस, इस पर अटैक करा लो। जब आप ये करोगे तो आप सारे लोग ध्यान से देखो, आपको मिलने वाली चीज होगी ये, बहुत आराम से देख लें, ये है, यहां माइनस बनेगा, इस पे अटैक करेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये आपके सामने आर आ चुका है, बधाई हो आर आ गया है, और ये क्लियरली आइडोफॉर्म कर रहा है। लुक एट दिस मिथाइल, ये मिथाइल कीटोन है, ये आइडोफॉर्म कर रहा है। मेरे भाई सोचने वाली बात है कि ये सेगमेंट टूट जाएगा, ये कार्बन आइडोफॉर्म में जाएगा, एक मिनट, तो हमारा आंसर क्या है, एक आइडोफॉर्म आएगा, एक एसिड सॉल्ट आएगा, लेकिन यहां पर एस ऐसा होना चाहिए जिसमें पाई बॉन्ड हो कार्बन कार्बन, ताकि ब्रोमीन रिएक्शन कर सके। तो मेरे भाई यानी कि एस आपका जो है वो एसिड वाला पार्ट है, ये आइडोफॉर्म यहां से आप हटा दें और आपको जो चीज यहां मिली है सारे लोग देख लो, ये है बेटा, पाई बॉन्ड वाला लेना है, ये आपको देखना है एस, ये है एस। अब इस पे ऐड किया Br2, इस पे क्या ऐड किया Br2, चलो एस पे Br2 ऐड करते हैं, ये हमने Br2 ऐड कर दिया CCl4 में, तो आपको मिल गया T। भाई साहब डबल बॉन्ड पे ऐड करने में कौन सी दिक्कत आ रही है आपको, ऐड कर दो ना, ये Br, ये Br, ये आ गया आपका T, बधाई हो T आ गया है। अब है OH माइनस डेल्टा, मेरे भाई आपने ऐसा सेगमेंट बिल्कुल पढ़ा होगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के टाइम पर भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सी डबल ओ माइनस के साथ अगर सिस्टम में कोई बीटा पोजीशन पर लीविंग ग्रुप है, ये सी डबल ओ माइनस अल्फा पर और ये बीटा पर, तो मेरे भाई ये प्योर E2 एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन की तरीके से होता है। नाउ यू आर हीटिंग इट, आप जरा ध्यान से देख सकते हैं, ये CO2 बनेगा, ये इधर ये एंटी होता है, तो बेहतर होगा मैं थोड़ा सा Br यहां बना देता हूं, एंटी एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये CO2 एंड Br- दोनों साइमल्टेनियस निकलते हैं और आपको जो मिलेगा ना मेरे भाई, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, ये आंसर मिलेगा, ये है आपका यू, दिस इज यू, निकल गया यहां से, क्या क्या निकला, CO2 निकला है एंड Br- निकला है, ये यू आ गया भाई साहब। अब इस यू पर क्या कर, सोडामाइड दो इक्विवेलेंट, मेरे भाई अब समझ में आया, एक तो ये क्या करेगा सोडामाइड, HBr निकालेगा, HBr निकालते क्या बनेगा प्रोपाइन, और दूसरा NaNH2 क्या करेगा, प्रोपाइन का जो sp कार्बन का H है वो निकाल ले जाएगा। यहां पर अपन ने डाल दिया NaNH2 टू इक्विवेलेंट, चुरा ले जाएगा ये sp कार्बन का H और आपको मिलेगा ये, देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये आ गया V, V आ गया भाई साहब, दिस इज V, न्यूक्लियोफाइल है, अगला CH3 आई है, आपको मैंने बोला था ये किस लिए पैदा हुआ है CH3 आई, SN2 करने के लिए। तो मेरे भाई ये C माइनस
अटैक करेगा, एनएआई बाहर हो जाएगा और आपको लगे हाथ ब्यूट टू आइन मिल गया है और ये आ गया है डब्लू। क्या आ गया डब्लू? अबे यार ये तो ऑब्वियस है, कुचलो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कुचलो पर कीटोन बन जाता है। ये क्या है? ये मेरे भाई हाइड्रेशन का एक तरीका है और ये बन गया ब्यूटेनोन। कहां आ गए तुम बधाइयों पीछे वाले? एक्स मिल गया आपको, मिल गया एक्स, रिडक्शन ग्रिगनार्ड से रिडक्शन। कीटोन है आपको पता है CH3MgCl 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा आपको, ये NH4Cl, ये 1, ये 2 और ये आ गया क्या, बोलो बोलो बोलो, अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। और सच बताओ क्या ये वाई है या नहीं, वाई है या नहीं, सारे बताओ। और इस पर करो H प्लस डेल्टा तो भैया मेजर प्रोडक्ट इवन कर रहे हो, इवन मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा इस पे, इधर कर देते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा सर, इस पर हमने कर दिया H प्लस डेल्टा, तो सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर, क्या यही जेड है, क्या यही जेड है? हां भाई यही जेड है। तो ये देख लें, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का जो था वो था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई जेड, एग्जैक्ट जेड कैसे पता करें। तो आपने देखा जेड के सारे एसाइक्लिक एल्कीन्स को हमने बना लिया, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी उनकी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट को विजुलाइज करके, एल्डोल प्रोडक्ट को देखना पड़ा कि वो आइडोफोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एकमात्र क्राइटेरिया हमें मिल रहा है जिससे हम जेड को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यहां से हमें एक यूनिक जेड मिलता है और वो जेड डबली श्योर का हो जाते हैं जब हम अंत में भी सेम जेड को पाते हैं। तो मेरे भाई ये है थर्ड क्वेश्चन रोडमैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, आई होप आपने ये समझ लिया है, इसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो गए हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम, मैं एक और क्वेश्चन आज मैं शेयर करूंगा और उसका सलूशन लेकर कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।